बात है, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इसके क्रैक होने के चांस बन सकते हैं। आपको कुकवेयर का हिसाब रेगुलर रखना पड़ेगा, आपको हर चीज का रेगुलर हिसाब रखना पड़ेगा। हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं बर्नर के बारे में। आप सिलेक्ट करने वाले हैं कोई एक बर्नर, और उनमें से आप भी सिलेक्ट कर चुके हैं ग्लास बर्नर को, क्योंकि ग्लास बर्नर की लुक अच्छी आती है और इंसान फिदा भी लुक पर ही होता है। तो आप भी फिदा हो चुके हैं उसकी लुक पर, लेकिन मसला ये आ चुका है कि लोगों ने आपके जहन में वहम डाल दिया है कि ये ग्लास बर्नर का जो टॉप होता है, ग्लास होता है, वो ब्रेक हो जाता है। उन्होंने आपके जहन में वहम डाल दिया, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज दोबारा हो चुके हैं कि ग्लास बर्नर लूं या स्टील बर्नर लूं। आप ग्लास बर्नर ही लें, क्योंकि आपका भाई आपको कुछ प्रिकॉशंस बताने वाला है, जो आप कर लोगे तो ग्लास बर्नर आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा, कोई क्रैक वाला सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन ठोको। भाई जान, नंबर वन प्रिकॉशन हमारा ये है कि आपने अवॉइड करना है हैवी ऑब्जेक्ट से। मैं आपको बताता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है, कि आपने जो ये स्टोव के बर्नर हैं, आप इसके ऊपर तो हैवी वेट रख सकते हैं, जितना हमारा डोमेस्टिक लेवल पर यूज होता है घरों के अंदर, जो बड़ी देचकियां वगैरह होती हैं, वो आप इस पर रख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन सरफेस से मुराद मेरा ये है कि आप इनके एजेस पर कुछ ना रखें, कोई हैवी चीज इसके एजेस पर ना रखें, इधर ना रखें। कुकिंग के दौरान जैसे होता है कि आप कोई ना कोई चीज इनके एजेस पर रख देते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में होना होता है कुकिंग के दौरान, तो आपने अवॉइड करना है कि ग्लास के सरफेस पर कोई ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट नहीं रखना, जिससे चांस बन सकते हैं आपका ग्लास क्रैक होने के। सेकंड प्रिकॉशन है हमारा, वो ये है कि आपने जो कुकवेयर होते हैं, जो आपके डेली यूज में इस्तेमाल होने वाले बर्तन होते हैं कुकिंग के दौरान, जैसे प्रेशर कुकर, पतीला और काफी चीजें होती हैं, उनकी जो सरफेस होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए। कुकवेयर है, उनकी अगर सरफेस रफ होगी तो क्या होगा, उसके साथ आपके जो ग्लास टॉप है उसके ऊपर स्क्रैचेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब स्क्रैच बनेंगे तो जाहिर बात है एक टाइम आएगा जब वो क्रैक भी हो जाएगा। तो इसीलिए जो नंबर टू हमारा प्रिकॉशन ये है कि आपके जो कुकवेयर हो उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ होनी चाहिए। नंबर थ्री प्रिकॉशन हमारा होने वाला है, वो ये है कि आपने जब भी कुकिंग करनी है, आपने जो आपके कुकिंग के दौरान आपका प्रेशर कुकर है या आपके कोई पैन है या आपके कोई पॉट्स वगैरह है, तो आपने उनको स्लाइड नहीं करना। हमारा स्टोव है उसके एक बर्नर से जब हम दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो हम स्लाइड करते हैं। हमारे पास अगर कोई पैन पड़ा हुआ है तो अगर हमने यहां से इसको इधर शिफ्ट करना है तो आपको प्रॉपर लिफ्ट करना पड़ेगा, ना कि उसको स्लाइड करके यहां पर लेकर आना पड़ेगा। आपको प्रॉपर लिफ्ट करना होगा ताकि इससे आपका स्क्रैच वगैरह के चांस कम हो जाते हैं। नंबर फोर प्रिकॉशन है हमारा, वो ये है कि आपने जब भी इसको साफ करना है तो इसके प्रॉपर एक मेथड होता है जिसके थ्रू ये साफ किए जाते हैं। टेम्पर्ड ग्लास होता है तो जाहिर बात है टेम्पर्ड ग्लास को अगर कहीं से भी नुकीली चीज कहीं से भी जरा ज्यादा जोर से हिट करेगी तो उसका चांस बन जाता है क्रैक होने का। तो आपने जब भी इसको साफ करना है तो इसके मेथड होते हैं। अगर आपको वो मेथड नहीं पता तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो जो नंबर फोर पॉइंट हमारा ये है कि इसको जब भी आपने साफ करना है तो प्रॉपर मेथड के साथ इसको साफ करना है। जो नंबर फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो ये है कि आपने टेम्परेचर कंट्रोल रखना है इसका। टेम्परेचर कंट्रोल से मुराद मेरा क्या है कि अगर आप कोई कुकिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई आप इसके ऊपर काफी देर से आपका बर्नर चल रहा है और आपके जो बर्नर का टेम्परेचर है वो काफी हाई हो चुका है और आप इसके ऊपर कोई फ्रिज से निकाल रहे हैं चीज, जो जमी हुई है चीज, और वो आप इसके ऊपर रख रहे हैं, तो जाहिर बात है इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इसके क्रैक होने के चांस बन सकते हैं। तो आपने इसका टेम्परेचर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल से मुराद क्या है कि आपने जब भी आपका स्टोव गर्म हो तो इसके ऊपर कोई ठंडी चीज नहीं रखनी। लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए है ग्लास स्टोव की, आपको हफ्ते में नहीं, आपको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस से क्या मुराद है कि आपको रोजाना चेक करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं आ रहे, अगर कहीं से गंदा हो रहा है तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से साफ करना है, वो मेथड इस्तेमाल करने हैं जिससे इसके क्रैक होने के चांस कम हो जाएं।
आपको रेगुलरली ये चीज देखनी पड़ेगी कि इसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। अगर आप ऐसा तो नहीं है कि आप इसके ऊपर गर्म के ऊपर कोई ठंडी चीज तो नहीं रख रहे, आपको ये रेगुलर चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको कुकवेयर का हिसाब रेगुलर रखना पड़ेगा, आपको हर चीज का रेगुलर हिसाब रखना पड़ेगा, जिससे आपके चांसेस कम हो जाएंगे आपका ग्लास बर्नर क्रैक होने के। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगा कि ये जरूरी पॉइंट्स है आपको आपके मनपसंद बर्नर को लेने जो प्रिकॉशन है आपको हेल्प आउट करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना रखूंगा। अल्लाह हाफिज।